नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कारोबार चैनल में। आज की जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ORVM से रिलेटेड, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ORVM क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या उसका यूज़ केस है। तो सबसे पहले मैं IRVM से शुरुआत करता हूँ। IRVM होता है इंटरनल रियर व्यू मिरर। सो इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं हाथ से अपने अकॉर्डिंग, ऐसे करके जो भी आपको लगता है। बस इसका जो पर्पज़ होता है कि आपको पीछे का पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए, मैक्सिमम व्यू। सो उसको आप मैनुअली हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो ORVM होता है, जो उसको बोलते हैं आउटर रियर व्यू मिरर। सो ये बाहर का आपको चीज़ें दिखाता है कि आपके साइड में और पीछे क्या क्या चल रहा है, रोड पे गाड़ी क्या चल रही है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अगर कहीं पास लेना हो या टर्न करना हो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता रहना चाहिए कि आपके साइड में क्या है, पीछे क्या है, इसके लिए होता है। और इसके मिरर में जो भी इमेज दिखती है वो क्लोज़र दिखता है, थोड़ा पास दिखता है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल पोजिशन। वो इसलिए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपके मतलब कितना पीछे चीज़ें चल रही हैं और आपको ज़्यादा पोर्शन दिख पाए, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करना होता है, कैसे ओपन करना होता है, कैसे एडजस्ट करना होता है, इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। किसी भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि उसको ORVM कंट्रोल कैसे यूज़ करना है, उनको आइडिया नहीं है या फिर उनको समझ में नहीं आया, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको कंट्रोल। सो ये है ORVM का कंट्रोल, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा, मैं एकदम दिखाता हूँ। सो ये जो कंट्रोल है ये मूवेबल है, ये हर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ डॉट है और यहाँ राइट है, ठीक है। सो लेफ्ट राइट से आप समझोगे कि लेफ्ट मतलब लेफ्ट मिरर, लेफ्ट ORVM के लिए और राइट वाला राइट साइड के लिए, ठीक है। बाकी फिर ये जो है ये ओपन और क्लोज के लिए कि कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, ठीक है। सो ओपन तो जब आप गाड़ी ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ORVM ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप खुद से बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें, कभी भी आप ड्राइव करते हुए इसको एडजस्ट नहीं करें, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि आपका ध्यान फोकस भी इधर हो जाएगा और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इसको कभी भी ड्राइव करते टाइम नहीं करें, इसको पहले कर लें और अच्छे से। सो इसको स्क्रीन वगैरह मतलब जो शीशा है मिरर है उसको साफ़ कर ले और फिर इसको अच्छे से एडजस्ट करके यूज़ करें, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कंट्रोल से कैसे चेंज करना है और कैसे करना है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि सारा पोर्शन एक बार में आ जाए ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर कट हो जाए, या फिर मैं दो वीडियो एक साथ डाल दूंगा, ठीक है। सो जब भी ये जो सेंटर में रहता है, जब ये जैसा भी आप देख रहे हैं सेंटर में है, ठीक है, तो जब भी आप इसको इस तरफ मूव करेंगे तो ये ओपन या क्लोज होगा। जैसे अभी ये पूरा ओपन हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्लोज करना है तो मैं इसको वापस ऐसे ही मूव करूँगा, ठीक है, तो ये फिर क्लोज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और ये दोनों साइड के लिए, ठीक है, मैं दोनों साइड का दिखाता हूँ। मैं अभी ओपन करूँगा उस साइड का, ठीक है। सो ये दोनों साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने ओपन का दिखाया तो ये ओपन हो गया, अब मैं क्लोज करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये बार बार करने से ब्लॉक हो जाता है 10 सेकंड के लिए, फिर ये होल्ड पे चला जाएगा और फिर 10 सेकंड बाद फिर से दोबारा आप कर पाएंगे। अगर आप तुरंत तुरंत करेंगे ना तो ये काम नहीं करता है, कुछ सेकंड फिर 10 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा इसको एडजस्ट करने के लिए। ये ऐसा इसमें दिया गया है सिस्टम, कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं काम कर रहा तो फॉल्ट नहीं होता, वो 10 सेकंड के बाद फिर से ये हो जाता है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, इसको आगे की तरफ मूव ऐसे मूव करने पे वो ओपन हो जाता है, और फिर क्लोज करने के लिए फिर आप इसको ऐसे मूव करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको दोनों दिखा दिया, ठीक है। अब ये एल लेफ़्ट और राइट क्या है, ये लेफ़्ट और राइट जो है ना मिरर एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। मैं पहले इसको ओपन कर देता हूँ ताकि आपको मिरर एडजस्टमेंट में दिखा पाऊँ, ठीक है। ये बंद हो गया, मैं अभी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब मिरर एडजस्टमेंट के लिए जैसे अगर मुझे लेफ़्ट का करना होगा तो मैं लेफ़्ट साइड इसको ऐसे मूव कर दूंगा, ठीक है, और राइट साइड करना होगा तो मैं राइट साइड मूव कर दूंगा। तो
तो मेरे बगल में अभी ड्राइवर सीट पे राइट साइड का, तो मैं राइट साइड वाला आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सॉरी, सो ये जो दिख रहा है ये इनिशियली ऐसे होता है, फिर ये राइट में कर दिया। मैं राइट का जो मिरर एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है, पहले मैं उसको नीचे मूव करूँगा, ठीक है, फिर वापस ऊपर मूव करूँगा, फिर थोड़ा सा लेफ़्ट और फिर थोड़ा सा राइट करके दिखाऊँगा मैं आपको ये डेमो, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ से मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, फिर अब मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूँगा। जब मैं नीचे की तरफ मूव करूँगा तो मिरर नीचे की तरफ पूरी मूव हो गई, ठीक है। अब मैं वापस इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है, ऊपर की तरफ बहुत अच्छा ऊपर मूव हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, लेफ़्ट पोर्शन, ठीक है। अब मैं इसको राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे लेफ़्ट राइट करके दिखा दिया है। बट इसको एडजस्ट करने के लिए आप अपने हिसाब से देखें कि आपको किधर पे मूव करना है, मतलब कितना मूव करना है लेफ़्ट कितना राइट, ठीक है। जैसे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे करना है और थोड़ा सा इस तरफ मूव करना है, ठीक है, तो ये मेरा मतलब मैं बेसिकली ऐसे यूज़ करता हूँ।